हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय गुप्ता दोस्तों लाया हूँ एक शानदार सी मोटिवेशनल हिंदी कहानी आपके लिए। दोस्तों इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि छोटी छोटी कहानियां इंसान का जीवन बदल देती हैं। और एक बात और, आप कौन से शहर से हमारी ये कहानी देख रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन से शहर से रहने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस छोटी सी मोटिवेशनल हिंदी कहानी की, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों एक बार की बात है, बाजीराव पेशवा जी अपनी बहुत सारी लड़ाइयों में विजय हासिल कर जब अपनी राजधानी की तरफ लौट रहे थे, उनके साथ कई सारे सैनिक, कई सारे मंत्री थे। जो सैनिक थे चलते चलते काफ़ी थक गए थे और कड़ी धूप में उन्हें काफ़ी भूख और प्यास भी लग चुकी थी। जब बाजीराव जी ने देखा कि हमारे जो सैनिक हैं वो काफ़ी थक गए हैं, उन्होंने सोचा कि किसी वृक्ष के नीचे इन्हें विश्राम करने की ज़रूरत है। और जैसे ही चलते चलते एक छोटा सा जंगल दिखाई दिया, वो वहाँ देखते हैं कि कई सारे वृक्ष लगे हुए हैं और उन्होंने सोचा इन्हीं वृक्ष की छांव के नीचे अपने सैनिकों को विश्राम करवा देता हूं। उन्होंने उन सैनिकों को आदेश दिया कि आप लोग इन वृक्ष के नीचे आराम से विश्राम करिए। और बाजीराव जी ने देखा कि वो जो सैनिक थे काफी भूख और प्यास से व्याकुल लग रहे थे, तभी उन्होंने अपने एक मंत्री को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि हे मंत्री, आप जाइए और किसी एक बड़े फसल की जितनी भी फसल लगी हुई हो वहां से कटवा कर लाइए और खाना खिलवाइए जितने भी सैनिक भूखे और प्यासे हैं। और वह बाजीराव जी का आदेश पाकर वह मंत्री निकल पड़ता है उस बड़े खेत की तलाश में जहां कई सारी ढेर सारी फसल लगी हुई हो। तभी रास्ते पर एक व्यक्ति उस मंत्री को दिखाई पड़ता है और उससे पूछता है वह मंत्री कि हे व्यक्ति, क्या आप मुझे बता सकते हो कोई बड़ा खेत जिसमें बहुत सारी फसल लगी हुई हो। तब वह व्यक्ति उस मंत्री को साथ में ले जाता है और एक बड़े खेत को दिखाता है कि हुजूर, ये एक बड़ा सा खेत है, यहाँ बहुत सारी फसल लगी हुई है। तब वह मंत्री अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इस बड़े खेत की जितनी भी फसल लगी हुई है काट लो। तब वह जो व्यक्ति रहता है इतना सुनते ही मंत्री की आवाज़ को थोड़ा सा हैरान हो जाता है, परेशान होने लगता है। तब वह मंत्री जी से निवेदन करता कि हे मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इससे भी बढ़िया एक खेत है जहाँ की फसल पक कर तैयार हो गई है, इस खेत की फसल कच्ची है, आप वहाँ चले और जितनी फसल लगी हो सब काट लीजिएगा। तभी वह जो मंत्री रहता है अपने सैनिकों को रोकता है कि चलो आगे चलना है, अभी रुक जाओ, अभी मत काटो। और वह व्यक्ति उस मंत्री को लेकर एक खेत तक पहुंचता है और दिखाता है कि ये खेत है, यहाँ की फसल एकदम से पक गई है, आप काट सकते हैं। लेकिन जैसे ही वह मंत्री उस खेत को देखता है कि यह खेत तो काफ़ी छोटा है, तभी वह मंत्री गुस्सा होता है उस व्यक्ति पर कि तुमने उस बड़े खेत की बजाय इस छोटे खेत पर तुम हमें क्यों लेकर आए, इतने में क्या होगा। और तब वह व्यक्ति निवेदन करता है उस मंत्री से कि हे मंत्री जी, वह जिस खेत के पास आप खड़े हुए थे वह मेरा खेत नहीं था, यह मेरा खेत है, आपको जितना अनाज चाहिए यहाँ से काट कर आप ले जा सकते हैं। तब वह मंत्री बिना खेत को काटे वह वापस बाजीराव जी के पास गया और पूरी घटना की सच्चाई उन्होंने बयां कर दी। और जैसे ही उस मंत्री ने बाजीराव जी के सामने वो सारी बातें बताई, बाजीराव जी स्वयं चलकर उस व्यक्ति के खेत तक पहुंचे और उस व्यक्ति को ढेर सारी सोने की अर्सफियां दी, ढेर सारे सोने की मोहरें दी और उनसे कहा कि हे व्यक्ति, आप बहुत ही नेक दिल इंसान हो कि आप दूसरों का खेत कटवाने की बजाय आप स्वयं का खेत कटवा रहे हो, यह हमारे तरफ से आपके लिए पुरस्कार। और वह जो व्यक्ति रहता है अपना पूरा खेत दे देता है, जितनी भी फसल लगी हुई होती है सैनिक काटते हैं, ले जाते हैं और खाना बनाते हैं, काटते हैं। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी सीख मिलती है कि आपकी नम्रता, आपकी विनम्रता ही आपकी असली धन, आपकी संपत्ति है। दोस्तों ये कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।